नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने वो कर दिखाया है जो अभी तक कोई देश नहीं कर सका, चांद के साउथ पोल पर टच डाउन करना। इस सफलता को पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रज्ञान रोवर ने इस मिशन के दौरान चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर की खोज करी। बहुत कम लोगों ने इसकी बात करी है कि चंद्रयान 3 के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान क्या क्या नई चीजें सामने आई, लेकिन ये डिस्कवरी सही में बहुत दिलचस्प है। आइए जानते हैं और समझते हैं आज के इस वीडियो में। अगस्त 23, 2023 वो दिन था जिस दिन चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुल लैंडिंग करी। अगले दिन 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को एक रैंप के जरिए नीचे उतारा अपने मिशन को शुरू करने के लिए। इसरो ट्विटर के जरिए हमें रेगुलरली अपडेट्स दे रहा था। 25 अगस्त के इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि कैसे प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से दूर जा रहा है। 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक लगभग 12 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान ने चांद पर अपनी ऑब्जर्वेशंस ली, जिसके बाद उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया, उन्हें सुला दिया गया, लेकिन उम्मीद करी जा रही है कि वो दोबारा जागेंगे। इसकी बात मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले समझते हैं कि इन 12 दिनों में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ली गई। बात है 27 अगस्त की, जब विक्रम लैंडर पर लगे चेस्ट इंस्ट्रूमेंट ने अपनी पहली रीडिंग्स ली। चेस्ट का फुल फॉर्म है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम चांद की मिट्टी के टॉप सॉयल पर टेम्परेचर मेजर करना, ये समझना कि चांद के साउथ पोल पर तापमान कितना वेरी करता है। तापमान को नापने का काम चेस्ट पर लगा एक टेम्परेचर प्रोब करता है। चेस्ट पर खुद अपने 10 अलग अलग सेंसर्स लगे हुए हैं और ये टेम्परेचर का प्रोब चांद के सरफेस के 10 सेंटीमीटर नीचे तक जा सकता है। जो यहाँ रीडिंग्स इसने ली वो बहुत शॉकिंग थी मेरी राय में। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ ऑब्जर्व किया गया कि चांद की मिट्टी में एक एक सेंटीमीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 10-10 डिग्री सेल्सियस बदलता है। सरफेस पर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 60 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे जाकर ये टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 8 सेंटीमीटर में। इस ग्राफ में 0-80 मिलीमीटर की डेप्थ पर दिखा रखा है कि कैसे टेम्परेचर बदल रहा है। ये पहला ऐसा प्रोफाइल है जो चांद के साउथ पोल के लिए बनाया गया है। इसी दिन इसरो ने दो फोटोज भी पब्लिश करी प्रज्ञान रोवर की, जब वो एक बड़े से गड्ढे से, एक बड़े क्रेटर से सिर्फ 3 मीटर दूर था। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि चांद पर इस क्रेटर का जो डायमीटर था वो करीब 4 मीटर के अराउंड था। हमारे साइंटिस्ट नहीं चाहते थे कि प्रज्ञान जाके इस गड्ढे के अंदर गिर जाए, तो इसकी वजह से उन्होंने प्रज्ञान का रास्ता बदल दिया। प्रज्ञान को वापस उल्टा होकर चलना पड़ा और इसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज आप देख सकते हो, जहां इसके पहियों का मिट्टी में ट्रैक दिख रहा है। प्रज्ञान पर लगे पेलोड्स की बात करें तो 28 अगस्त को लिब्स यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम के इंस्ट्रूमेंट ने सल्फर की प्रेजेंस को कंफर्म किया चांद के साउथ पोल पर। ये पहली बार था कि चांद के साउथ पोल पर ऑन ग्राउंड जाकर इस चीज को कंफर्म किया गया, इसलिए इसे फर्स्ट एवर इन सीटू मेजरमेंट कहा जाता है। इस लिब्स इंस्ट्रूमेंट को इसरो के साथ डेवलप किया है बैंगलोर की लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम ने। इसका काम है चांद पर मौजूद मिट्टी और पत्थरों का कॉम्पोजिशन एनालाइज करना, और जिस तरीके से ये काम करता है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हाई एनर्जी लेजर पल्सिस का इस्तेमाल करता है, यानी एक लेजर डाली जाती है चांद की मिट्टी पर जिसका तापमान बहुत ज्यादा हाई होता है। चांद पर मौजूद मिट्टी के एक छोटे से एरिया में इस लेजर को टारगेट किया जाता है। वहां मिट्टी इस हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा क्या होता है, इसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा, 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और गैस के बाद प्लाज्मा आता है। जब गैस को और भी ज्यादा हाई टेम्परेचर में डालो तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है और प्लाज्मा से रोशनी निकलती है। अब ये जो रोशनी निकल रही है, जो लाइट निकल रही है, इसके बारे में खास बात यह है कि अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर वो इन अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट को मेजर करता है और इसके बेसिस पर बता पाता है कि कौन सा एलिमेंट वहाँ पर मौजूद है चांद की मिट्टी में। यहीं से ही ये नाम आया है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। लेजर के जरिए हमने ब्रेकडाउन किया वहाँ पत्थरों को या मिट्टी के पार्टिकल्स को, उन्हें प्लाज्मा में कन्वर्ट किया और फिर उनसे निकलने वाली वेवलेंथ को हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा मेजर किया, इसलिए यह हो गई लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहां मैं कहना चाहूंगा कि मैंने चंद्रयान 3 के पिछले वीडियो में एक छोटी सी गलती करी थी। ये जो सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी, मैंने कहा था कि ये काम रामभा इंस्ट्रूमेंट करेगा, लेकिन एक्चुअली मैं ये काम रामभा नहीं बल्कि लिब्स इंस्ट्रूमेंट करता है। रामभा भी प्लाज्मा को मेजर करेगा लेकिन लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन के जरिए नहीं। रामभा की बात आगे करते हैं वीडियो में, लेकिन उस गलती के लिए माफी। अब जरा इस ग्राफ को देखो, इसमें दिखा रखा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के दौरान जो अलग अलग वेवलेंथ्स प्रोड्यूस होती हैं
हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट कौन से एलिमेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए जो जो वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा प्रोड्यूस हुई है हम इसे देखकर बता सकते हैं कि ये एलिमेंट्स मौजूद हैं चांद की मिट्टी में। यहाँ देखो, एल्यूमिनियम है, Fe यानी आयरन है, Ti टाइटेनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, Cr यानी क्रोमियम भी है। नासा के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नोआ पेट्रो बताते हैं कि रशिया और अमेरिका के अपोलो और लूना मिशंस ने 1970s के समय में भी सल्फर की प्रेजेंस देखी थी चांद पर, लेकिन फिर भी चंद्रयान ने जो खोज करी है यहाँ पर वो एक ट्रेमेंडस अकम्प्लिशमेंट है, क्योंकि ये इन सीटू फाइंडिंग्स है, पहली बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है ऑन ग्राउंड। इससे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती थी वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल, 2011 में नासा ने पाया था कि चांद पे टाइटेनियम की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद है, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने लूना रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर का इस्तेमाल किया था, एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो चांद के चक्कर काट रहा था गोल गोल। चांद पर किसी चीज को उतार कर इसका एविडेंस नहीं पाया गया था। सिमिलरली 2009 में एक जापानी स्पेसक्राफ्ट ने भी यूरेनियम को डिटेक्ट किया था चांद पर, लेकिन लिब्स में इस्तेमाल की गई जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ज्यादा और एडवांस है, और ये पहली बार है कि सल्फर की डिस्कवरी यहाँ पर फॉर श्योर बताई जा रही है। और सल्फर के अलावा मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को भी कन्फर्म किया गया है। आप पूछोगे ऑक्सीजन कैसे हो सकती है चांद पर, ये ऑक्सीजन दोस्तों एक्चुअली में मौजूद है चांद की मिट्टी और चांद के पत्थरों में। ये ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं है, क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती, बल्कि चांद के पत्थरों में ऑक्सीजन के एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सिलिकेट मिनरल्स हो गई जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स से बनती हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसी ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है बाकी और यूज केसेस के लिए, जैसे अगर कभी कोई एस्ट्रोनॉट्स चांद पर एक परमानेंट बेस बनाए और वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो चांद के पत्थरों से ही उस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसी साल के 25 अप्रैल के इस आर्टिकल को देखिए, नासा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लूनार सॉयल सिमुलेंट, यानी नासा ऑलरेडी इस ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी पर काम कर चुकी है, और ये ऑक्सीजन की मात्रा इतनी ज्यादा है चांद के सॉयल में कि बताया जाता है मून के टॉप सॉयल में ही इतनी ऑक्सीजन है कि 8 बिलियन लोग 1,00,000 साल तक सस्टेन किए जा सकते हैं इस टॉप लेयर की ऑक्सीजन से ही। अब लिप्स से मिलता जुलता एक और पेलोड है प्रज्ञान पर, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में APXS। लिप्स ने जहां पर लूनर रॉक्स और लूनर सॉइल को स्टडी किया, वहीं पर APXS मून के जनरल सरफेस के लिए, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका काफी अलग है। लिप्स लेजर पल्सिस का इस्तेमाल करता है, लेकिन APXS रेडियो एक्टिव मटीरियल का इस्तेमाल करता है। यहां हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन सारे प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को बनाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स को जाता है, स्पेशली आज के दिन, क्योंकि आज सितंबर 15 को इंजीनियर्स डे है। ये दिन उन सारे इंजीनियर्स को डेडिकेट किया जाता है जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए। APXS अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज डालता है सरफेस के सैंपल पर। अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव डीके के दौरान एमिट होते हैं, तो इसका मतलब है कि APXS में एक छोटा सा रेडियो एक्टिव सोर्स हमेशा रहता है, रेडियो एक्टिव मटीरियल जो वो कैरी करता है अपने साथ। जब ये अल्फा पार्टिकल्स और एक्सरेज जाकर चांद के सरफेस के एटम से इंटरैक्ट करते हैं तो सरफेस पर मौजूद मटेरियल्स के इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं और वो खुद एक्सरेज एमिट करने लगते हैं। फिर इस सरफेस से निकलने वाली एक्सरेज को APXS के डिटेक्टर्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है अलग अलग एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहीं से ही इसका नाम भी आया है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अगर आप प्रोसेस समझ जाओगे कि इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं तो इनके नाम याद रखने हमेशा आसान रहेंगे। अब आते हैं हम विक्रम लैंडर पर। 31 अगस्त को इसरो ने एक रिपोर्ट रिलीज करी रामभा की फंक्शनिंग पर। रामभा विक्रम पर लगा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। लिब्स की तरह इसका काम भी प्लाज्मा को एनालाइज करना है, लेकिन ये खुद से कोई प्लाज्मा नहीं छोड़ता, कोई लेजर नहीं डालता चांद की मिट्टी पर, बस ये नेचुरल प्लाज्मा जो ऑलरेडी चांद पर मौजूद है उसे मेजर करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक 5 सेंटीमीटर का मेटालिक स्फेरिकल प्रोब है जो 1 मीटर ऊंचे पोल पर लगा हुआ है विक्रम के अपर डेक पर। इसे केरला की स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी में डेवलप किया गया था एट द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। इसरो के द्वारा पब्लिश करी गई इस फोटो में आप रामभा इंस्ट्रूमेंट की शेडो देख सकते हैं, ये जो पोल सा दिख रहा है आपको शेडो में, यही ये इंस्ट्रूमेंट है। इवन तो चांद पर कोई एटमोस्फेयर नहीं है, लेकिन चांद के सर्फेस के ऊपर बहुत छोटा सा अमाउंट प्लाज्मा का नेचुरली एग्जिस्ट करता है, और यही चीज रामभा ने पाई। अप्रोक्सीमेटली 5 to 30 million इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर की मात्रा में ये लूनार सरफेस पर इर्द गिर्द प्लाज्मा मौजूद है।
ये इतना कम है इसलिए इसे रिलेटिवली स्पार्स कहा है इसरो ने। इसे मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। रामबा बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर कर सकता है, पीको एम्पियर्स। करंट को एम्पियर्स में मेजर किया जाता है, ये पीको एम्पियर्स में करंट मेजर करता है। 10^-12 एक प्रोब से इनके वोल्टेज डाली जाती है और रिटर्न आने वाले करंट को मेजर किया जाता है, और इससे पता चल पाता है कि लूनार प्लाज्मा में आयन और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज कितनी है, रिटर्न करंट को मेजर करके। लेकिन सवाल आपके मन में उठेगा, इसके क्या मायने हैं, हमें क्यों फर्क पड़ता है इससे? इससे हमें पता चलता है कि रेडियो वेव्स चांद पर बड़ी आसानी से प्रोपोगेट कर सकती हैं बिना ज्यादा इंटरप्शन के। अगर ज्यादा लूनार प्लाज्मा होता तो रेडियो वेव्स का ट्रांसमिट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो इन फाइंडिंग्स की मदद से हम ऐसे डिजाइंस कर पाएंगे जिनसे कम्युनिकेशन करना आसान हो, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं हम अगले इंस्ट्रूमेंट पर, इल्सा। इल्सा की फाइंडिंग्स भी 31 अगस्त को शेयर की गई इसरो के द्वारा, और इस इंस्ट्रूमेंट का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेसमिक एक्टिविटी। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये मून पर होने वाले भूकंप को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इल्सा पहला ऐसा पेलोड है जिसने माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया चांद पर। शॉर्ट में कहा जाए MEMS, ये माइक्रोस्कोपिंग डिवाइसेस की टेक्नोलॉजी है जो बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट से बनती है, इतने छोटे कि इनका साइज 1 और 100 micrometers के बीच में होता है। इस टेक्नोलॉजी को गाड़ी में लगे एयरबैग सेंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड प्रेशर सेंसर्स में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इल्सा पर आए तो इसने इसका इस्तेमाल किया वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करने के लिए। जब प्रज्ञान रोवर विक्रम से उतरकर चांद की जमीन पर चलने लगा तो वो वाली वाइब्रेशंस भी इल्सा ने रिकॉर्ड करी। इस ग्राफ में आप देख सकते हो जहां पर ये रोवर मूव कर रहा था, इसकी वाइब्रेशंस इस तरीके से ग्राफ पर दिख रही थी। लेकिन बीच में एक लाइन नोटिस करोगे, ये लाइन है 26 अगस्त की, जब एक नेचुरल इवेंट हुआ, यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक नेचुरल भूकंप आया चांद पर। इन मून क्वेक्स को स्टडी करके हमें चांद के इंटीरियर की बेहतर समझ मिलती है कि चांद के अंदर क्या मौजूद है, कितना बड़ा क्रस्ट है, कितना बड़ा मेंटल और कोर है। इसके अलावा जब इंसान परमानेंटली जाकर चांद पर रहने लगेंगे तब के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि कितने भारी भूकंप आते हैं वहां पर, हम जो भी कुछ बनाएंगे वहां पर वो कितना सस्टेन कर पाएगा। इसके बाद आते हैं हम 3 सितंबर 2023 पर, जब इसरो ने एक हॉप एक्सपेरिमेंट किया विक्रम लैंडर के साथ। जो ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लैंडिंग था, जिसे शिव शक्ति नाम दिया गया है, उस पॉइंट से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया लैंडर को। विक्रम के इंजन्स को दोबारा से फायर किया गया, वो हवा में 40 सेंटीमीटर ऊपर गया और करीब 40-50 सेंटीमीटर साइड में जाकर दोबारा से लैंड कर गया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो रैंप नीचे निकाला गया था प्रज्ञान रोवर को उतारने के लिए, उसे वापस ऊपर फोल्ड किया गया था और चेस्ट और इसला के पेलोड्स को भी अंदर लिया गया था। आप यहाँ फोटोज देख सकते हैं इस हॉप एक्सपेरिमेंट की, पहले और बाद की फोटोज देखो कि कितना फर्क है पहले की फोटो में और बाद की फोटो में। थोड़ा सा मूव कर गया है ये लैंडर। इस हॉप एक्सपेरिमेंट का महत्व ये है कि आगे चलकर जब हम ह्यूमन मिशंस करेंगे तब हमें पता होना चाहिए कि लैंडर दोबारा से उड़ान भर सकता है, वापस लौट सकता है इंसानों को वापस लाने के लिए। इसके अगले दिन 4 सितंबर को सुबह के करीब 8 बजे दोनों प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड पर डाल दिया जाता है इसरो के द्वारा। ये स्लीप मोड चांद पर आने वाली रात के लिए प्रिपेयर करने के लिए था। फॉर्मर इसरो चीफ किरण कुमार का कहना है कि रात आने से 2 से 3 दिन पहले ही इसे स्लीप मोड में डाल दिया गया बेटर प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि इनके अंदर के जो मॉड्यूल्स हैं उनकी फंक्शनिंग पूरी तरीके से बंद हो जाए जब दिन खत्म हो चांद पर। प्रज्ञान की बैटरी को पूरी तरीके से चार्ज किया गया स्लीप मोड पर डालने से पहले, और लोकेशन को भी इस तरीके से चूज किया गया कि जब दोबारा से सूरज निकले तो इसके सोलर पैनल्स सनलाइट की तरफ एफिशिएंटली फेस कर रहे हों। इस वक्त विक्रम और प्रज्ञान दोनों के पेलोड्स को बंद किया जा चुका है, लेकिन दोनों के रिसीवर्स को ऑन छोड़ा गया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहले प्लान किया गया था कि ये मिशन सिर्फ एक लूनार दिन तक ही चलेगा, जो कि करीब 14 दिन के बराबर है, क्योंकि रात में इतनी ठंड हो जाएगी कि ये सरवाइव ना कर पाए। लेकिन अब इसरो ने उम्मीद लगा रखी है कि प्रज्ञान और विक्रम दोबारा से जाग सकते हैं जब दोबारा से सुबह होगी चांद पर। ये चीज पहले चाइना के लैंडर और रोवर के साथ भी हो रखी है। चाइना ने एक जो Chang'e 4 लैंडर और उसका U2 रोवर भेजा था, उन्हें भी रात में स्लीप मोड पर डाल दिया गया था, लेकिन जब दोबारा से सूरज निकला तो वो दोबारा से जाग उठे थे। चंद्रयान 3 के लिए ये अगली सुबह होगी 22 सितंबर की,
और पूरा देश दिल थाम के देखेगा कि ये दोबारा से जाग उठते हैं या नहीं। अगर ये दोबारा से काम करने लगते हैं तो ये अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट कुछ और एक्सपेरिमेंट्स रन कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो प्रज्ञान चांद पर इंडिया का लूनर एम्बेसडर बनकर हमेशा के लिए वहीं तैनात रहेगा। ये वीडियो पसंद आया तो स्पेस के वीडियोस पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं, जिसमें ढेर सारे वीडियोस हैं, जैसे कि ब्लैक होल्स वाला वीडियो जहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ ब्लैक होल्स की मिस्ट्री के बारे में, यहाँ क्लिक करके उसे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।